सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन किए गए। नागपुर में भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया। ईडी द्वारा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में देश में कई जगहों पर आंदोलन किए गए। इसी कड़ी में नागपुर के संविधान चौक पर भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता सहभागी हुए। इस वक्त विकास ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ विरोधी पार्टियों को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हम सोनिया जी के साथ है। मला वाटतं की नरेंद्र मोदी आणि भाजपचं सरकार जे या देशातून विरोधी पक्षाला संपवण्याचं षड्यंत्र रचत आहे। आपण पाहिलं असेल की प्रत्येक राज्यातली सरकार जी दुसऱ्या पक्षाची असली त्या सरकारला खेचण्याचं तोडण्याचं काम हे मोदी सरकार करत आहे। आणि सोनियाजी राहुलजी यांना ईडीच्या मार्फत त्रास देऊन सगळ्या काँग्रेस आणि सगळ्याच विरोधी पक्षांना एक संदेश देत आहे की आम्ही सोनियाजी राहुलजींना ईडीच्या कार्यालयात बोलू शकतो तर आम्ही कोणालाही सोडू नाही शकत। हा संदेश देऊन या देशातील विरोधी पक्ष संपवण्याचं कट कारस्थान षडयंत्र रचत आहे। परंतु विरोधी पक्ष नसेल तर ही सत्ताधारीही बरोबर काम करू शकत नाही। या देशात विरोधी पक्ष राहील तरच सत्ताधारी बरोबर काम करू शकतील। आणि याचाच निषेध म्हणून काँग्रेस पक्षातर्फे आज देशभरात हे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येत आहे। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।